ऊपर वाले ने इस प्रकृति को बहुत ही अद्भुत बनाया है, जो कि बहुत सुंदर और शानदार है। प्रकृति में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जनजीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर दिन और रात, बारिश का होना, मौसम बदलना, हम इन सारी घटनाओं के बारे में जानते हैं, पर यह प्रकृति बहुत ही विशाल और अनोखी है जो किसी के भी सोच से परे है। इसी प्रकृति में ऐसी कई घटनाएं हैं जो आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई हैं, और यह घटनाएं इतनी अद्भुत हैं कि हम इंसानों को चौंका देती है। आज मैं आपको प्रकृति के कुछ ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताऊंगा। नंबर एक पर है कलरफुल माउंटेन चाइना। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है ज़ांग्या दांगशिया जियोलॉजिकल पार्क का। यह जियोलॉजिकल फार्म 510 वर्ग मील में फैला हुआ है। यहाँ की पहाड़ियाँ कई रंगों से सजी है, जिसकी वजह से इन्हें रेनबो माउंटेन्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इन पहाड़ियों का ये रंग सैंडस्टोन और विभिन्न खनिजों के यहाँ लाखों साल पहले जमा होने की वजह से है। यह जगह चाइना में बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। ऐसा नज़ारा आपको सिर्फ पूरी दुनिया में चाइना और पेरू में ही देखने मिलता है। नंबर दो पर है सेलिंग स्टोन्स। डेथ वैली, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे सूखा इलाका है, यह अमेरिका के दो राज्यों कैलिफोर्निया और निवाडा पर स्थित है, और यहीं पर मौजूद है रेसट्रैक पलाया, जहाँ पर एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। रेसट्रैक पलाया ये एक बड़े से तालाब का सूखा हुआ तल है, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। दोस्तों, यहीं पर मौजूद है सेलिंग स्टोन्स। ये एक ऐसा करिश्मा है जहाँ पर पत्थर बिना किसी इंसान या जानवर की मदद से अपने आप चलते हैं। हालांकि पत्थरों को आज तक किसी ने चलते हुए नहीं देखा, पर पत्थरों के पीछे घिसकने के निशान मौजूद हैं जो कि इनके चलने का सबूत देते हैं, और ये निशान कई मीटर लंबे हैं। इन निशानों के अलावा पत्थरों के पीछे कोई और निशान मौजूद नहीं है, जिससे कि ये माना जा सकता है कि इन पत्थरों को इंसान नहीं सरका रहे हैं। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये पत्थर साल दर साल आगे किस तरह खसक सकते हैं, और विज्ञान भी इस घटना को सुलझाने में असमर्थ है। 2013 में कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग में कुछ पत्थरों पर GPS टैग लगाए और टाइमलेस वीडियो की मदद से घटना को कैद करने की कोशिश की, और उन्होंने पाया कि यहाँ पर हल्की बारिश होने के बाद ठंड के दौरान इस तालाब के तल पर बर्फ की एक पतली सी परत जमा हो जाती है, और जब यह बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पर फिसलन हो जाती है, और तेज़ हवाओं के बहाव से ये पत्थर इन्हीं फिसलन पर आगे की ओर घिसकते चले जाते हैं। वैज्ञानिक दल ने इस घटना का टाइमलेस वीडियो भी बनाया है। नंबर तीन पर है बायोलुमिनेंस। आप कई पिक्चर में चमकते हुए सागर को देखते हो, जो कि स्पेशल इफेक्ट जैसा लगता है, लेकिन यह कहानी नहीं, हकीकत है। ये एक प्राकृतिक घटना है जो दुनिया के कुछ खास जगहों पर ही देखने को मिलती है। रात होते ही ऐसा लगता है कि इन समुद्रों को किसी ने सजा दिया है, और ये लहरें प्रकाश से भर जाती है। ऐसा लगता है मानो टिमटिमाते तारे किनारे की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। यह अनोखा दृश्य कई सदियों से लोगों को अचंभित करता आ रहा है। इस प्रकाश का कारण पानी में मौजूद अति सूक्ष्म जीव प्लैंकटन है, जो कि पानी में हलचल होने पर जगमगाने लगते हैं। इस तरह की घटना मालदीव्स, पुर्तो रिको और सैंडियागो में देखी जा सकती है। नंबर चार पर है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। दोस्तों, हम सब ने आसमान में गोल और लंबे आकार का ये दृश्य कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। पायलट्स इन्हें आसमान का हाईवे या लेन वाले बादल भी कहते हैं, जो कि कई हज़ारों किलोमीटर तक लंबी होती है। वैसे तो इस तरह के बादल बहुत ही कम देखे जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में इसे लगभग हमेशा देखा जा सकता है। इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुबह के वक्त बनते हैं। विज्ञान इनके बनने का कोई कारण आज तक पता नहीं लगा पाया है। अर्थक्वेक लाइट्स। बारिश में बिजली देखना इसमें कुछ नया नहीं है, पर क्या कभी आप लोगों ने भूकंप के दौरान बिजली गिरते हुए देखी है? अर्थक्वेक लाइट्स ये एक ऐसी ही घटना है जिसे भूकंप के दौरान या भूकंप के पहले या बाद में आसमान में देखा गया है। दुनिया में कई जगहों पर आसमान में भूकंप के दौरान ये बिजली देखी गई है, और कई लोगों ने तो इस घटना को फिल्माया भी है। यह रोशनी कैसे पैदा होती है, इस बात का कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं है। नंबर छः पर है वॉल्केनो लाइटनिंग। आसमान में बादलों में चमकती हुई बिजली हम सब ने ज़रूर देखी है, लेकिन ज्वालामुखी में पैदा होने वाली बिजली के बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक स्टडी के मुताबिक जब ज्वालामुखी का पत्थर और गुब्बार निकलता है तो उनके टकराने से स्टैटिक एनर्जी पैदा होती है, जिससे ये बिजली पैदा होती है, और ज्वालामुखी गुब्बार में ये अद्भुत बिजली का दृश्य पैदा हो जाता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।